फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है, आपकी सीनियर मैनेजर और आपकी असिस्टेंट मैनेजर और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ों के बारे में, आपकी जो नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण जानकारी है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों ने डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट देते रहता हूँ हमारे चैनल लर्निंग टाइम के माध्यम से। बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली उसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एडवर्टाइज नंबर 2/2021 को आया है, रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड मटेरियल इन फाइनेंस डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफएल लुकिंग फॉर क्वालिफाइड डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपीरियंस ऑप्शन विद इनिशिएटिव फॉर मैनिंग फॉलोइंग पोजीशन रेगुलर बेसिस पर। यहाँ पे देख सकते हो वेरियस यूनिट ऑफिस एंड जॉइंट वेंचर। यहाँ पे आपके सीनियर मैनेजर की आपकी पोस्ट है F&F E5 कैटेगरी में, 80 से 2,20,000 सैलरी रहेगी। दो वैकेंसी हैं, 1 SC और 1 OBC में है, ठीक है। और अकाउंट ऑफिसर की दे सकते हैं यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं, टोटल 4 UR, 2 ST, 1 O आपका OBC में, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे दे सकते हैं E2 कैटेगरी में, यहाँ पे वैकेंसी हैं 4, टोटल 3 आपकी हैं UR में, 1 OBC में। मटेरियल ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी हैं, यहाँ पे 5 वैकेंसी UR कैटेगरी में, 2 आपकी यहाँ पे SC और 2 यहाँ पे आपको OBC में है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैकेंसी डिवाइड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनके बारे में देख सकते हैं पे पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा E1 E2 5 के लिए यहाँ पे सैलरी दे रखी है, पे स्केल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपकी पोस्ट दे रखी है, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट के बाद कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, सेलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग आपको रिक्वायर है टू गेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफ एनी सेंट्रल या स्टेट आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेके आना है। अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट एंड वेरिफिकेशन करेक्ट आपका करेक्टर एंटीफेसिटिक एंड कास्ट फिजिकल डिसेबल पोस्ट एनी यूनिट ऑफिसर ऑफ NFL जॉइंट वेन्यूअर अक्रॉस इंडिया, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, कट ऑफ डेट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है मैनेजर की 45 एज दे रखी है, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 या 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA PGDM विद मेजर स्पेशलिटी इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। आप अकाउंट ऑफिसर की बात करें 30 साल की आपकी आयु देगी, चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट सेम यहाँ पे रखा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर की 40 आयु दे रखी है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, फुल टाइम आपका रेगुलर MBA, मटेरियल आपका मैनेजमेंट सप्लाई चेन में या फिर आपका PG डिप्लोमा, ठीक है, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका या कि UK MBA होना चाहिए, UGC AICT अप्रूव्ड, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पोजिशन मटेरियल मैनेजमेंट एक्विज सच एज ए परचेसिंग आपका स्टोर कीपिंग फर्टिलाइजर केमिकल पेट्रोकेमिकल हाइड्रो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। आपकी कट ऑफ डेट तक कट ऑफ डेट मैं बता दूंगा, मिनी आपका मटेरियल ऑफिसर की 30 डिग्री एनी डिसिप्लिन एंड इन डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन यानी स्पेशलाइजेशन, फुल टाइम रेगुलर MBA मटेरियल मैनेजमेंट में सप्लाई चेन में या PG डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे आप दे सकते हैं। कट ऑफ डेट की बात करें 30/4/2021 है, यहाँ पे 30/4/2021 तक आपकी एज और एजुकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे UR कैटेगरी में आपको देखते हैं आपका रहेगा और यहाँ पे SC ST में आपका जो रिलेक्शन है वो F1 आपको 12 और 16 में देखने को मिल जाएगा, रिलेक्शन वाले चार्ट में आपको बता दूंगा। एजुकेशन कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे प्रिस्क्राइब मिनिमम आपका रहेगा फुल टाइम रेगुलर बेसिस होना चाहिए, 60% होना चाहिए, मार्क्स एक्सपेक्ट यहाँ पे CA CMA को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर आपके कैंडिडेट प्रोसेस इन डुअल डिग्री MBA PG फाइनेंस मैनेजमेंट में तो शुड बी मेजर स्पेशलाइज इन फाइनेंस और फाइनेंशियल में होना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसके बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं और आप यहाँ पे पढ़ना चाहे आपका CGPA है तो आपके आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के आपके द्वारा दिया गया हो, ठीक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपका, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में जरूरत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट अपेयरिंग फाइनल ईयर सेमेस्टर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कॉलम नंबर टेबल 3, यहाँ पर रिजल्ट आर वेटिंग कट ऑफ डेट नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कंप्यूटर लिटरेसी, आपको जैसे कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो मांगा गया है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको देख सकते हैं, और कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वुड बी काउंटेड ओनली इन केस ईसी विल बी रेगुलर इन द सेम कंपनी। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एक्वायरिंग रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लाइन वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इसके बारे में तो आप दे सकते हैं। ठीक है, पे स्केल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे चार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, और सैलरी क्या है उसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। E5 के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फीस है जो सीनियर मैनेजर के लिए है। E1 से E2 के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं 700 रुपये फीस है। यहाँ पे आप दे सकते हैं किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, तो मैं इसका आपका ऑफलाइन फॉर्म है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दे सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर द डिटेल इंटर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड ड्यूली फाइंड आपको फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको 25 से लेकर 2 साल तक आपको भेजना होगा। ठीक है, आपको 25 से लेकर आपको 2 साल तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये है इसकी डिटेल आपको दे सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के बारे में, डेट ऑफ बर्थ क्या स्कूल की, फॉर एजुकेशन क्वालिफाइड मार्कशीट डिग्री आपको यहाँ पे फॉर पे स्किल के दे सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और कास्ट सर्टिफिकेट है, मेडिकल आपका यहाँ पर, आपका फिटनेस, एप्लीकेशन फीस, डिमांड ड्राइव, रिक्वेस्ट अमाउंट। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 25/6 है, और जो कि यहाँ पे आप 2 साल जो दे रखी है आपको, जो टेरिटरी एरिया है यहाँ पे दे सकते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, ये इन वाले एरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ 25 से लेकर 2 साल इसका मतलब ये था 2 साल आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए, और 25/6 जो कि आपके जो नॉर्मल है उन एरिया के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कैंडिडेट अलॉन्ग विद ड्यूली साइंड कॉपी, एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगी जिसमें एप्लीकेशन शुड बी डन कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल है यहाँ पे दे सकते हैं। ज्यादा होंगे तब ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको कंडक्ट किया जा सकता है जो कि NCR में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल थी जो कि मैंने बताया, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं, F1-212 के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। यहाँ पे आपको देखिए फोटो लगानी है, नेम जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट कोड, ठीक है, एप्लीकेशन आपका नेम ऑफ एप्लीकेशन, जेंडर, ठीक है, आपका शादीशुदा है फादर या मदर का नाम, स्पाउस का नाम, ठीक है, स्पाउस के नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको एज बतानी 3/4/2021 के अनुसार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट डोमिसाइल के है उसकी नेशनलिटी यहाँ पे बतानी है, कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस यहाँ पे बता, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइज नंबर दे सकते हैं, रिलीजन यहाँ पे बताना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको, वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी यस या नो करना है, वेर यू आपको डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर यस या नो करना है। ठीक है, टिक करना है, प्रीपेड कैटेगरी पे आपको बताना है जिस कैटेगरी से है, टिक करना है। ठीक है, पर्सन विद बेंच ऑफ डिसेबिलिटी यस या नो टिक करना है इस पर भी, इफ यस तो मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी एंड परसेंटेज डिसेबिलिटी के बारे जानकारी देनी है, आर यू एन एक्स सर्विस मैन है तो इसके बारे में जानकारी देनी है, आर यू सर्विंग ऑफिसर इन द आर्म फोर्स है तो उसके बारे में जानकारी, वेदर यू डिपेंडेंट दो स्किल्ड आप डिसेबल एक्शन यस या नो यहाँ पे जानकारी देनी है, अप्लाई फॉर्म यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन है इनका आपको आंसर देना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता रहे 3/4/2021 का, आप किस में काम करते हैं, आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो यस या नो करना है, आपको बताना है रिलेटिव वर्किंग आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी, फिर उनकी यहाँ पे आपको देना है, उनके प्रोवाइड डिटेल करनी है, डेसिना यूनिटी ETC। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रही है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इनके CGPA है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे CGPA परसेंटेज क्लोज मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल ट्रेनिंग अंडर गो लास्ट 5 ईयर के बारे में बताना है, यहाँ पे एप्लीकेशन पोस्ट है, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका आ रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, इसमें आप दे सकते हैं। ये आपका फॉर्म है फ्रेंड, तो उसको आपको भरकर भेजना होगा, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से भरना होगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो आप लोगों के लिए मैं जानकारी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में था, इसका आपको जो महत्वपूर्ण लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको जाना है। तो देखिए कैरियर में जाएंगे, यहाँ पे कैरियर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए रिक्रूटमेंट आपको जा रहा है NFL में जाना है, NFL में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला ये डिसिप्लिन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट और परफॉर्मर दोनों को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, मैंने ये वीडियो बनाया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ माय चैनल को